नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर प्रांत के आज प्रेस वार्ता रखी है, जिसमें अक्षी ग्लोरिया जी, प्रांत मंत्री सहमंत्री शाहत नंदी, एग्री विजन के संयोजक सौरभ जी और सुनील सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष। आगे के लिए मैं अक्षी ग्लोरिया जी को बोलूँगा। नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की प्रेस वार्ता दो महत्वपूर्ण विषय पर है। एक विषय पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल, जिस विषय को काफी लंबे समय से विद्यार्थी परिषद जो है वो उठाती आई है, और दूसरा विषय जो है टीचर्स की जो एज एक्सटेंशन की है, रिटायरमेंट की 62 से करके 65 कर दी गई है। इन दोनों ही महत्वपूर्ण विषय पर विद्यार्थी परिषद की ये प्रेस वार्ता है। हम सबके ध्यान में है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल कहीं ना कहीं एंटी स्टूडेंट बिल है, जो यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को खत्म करता है और यूनिवर्सिटी में जो है UGC के मानकों का भी उल्लंघन करता है और विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन को सीधा डायरेक्टली लिंक कर हिट करता है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल जो है अभी असेंबली में पास होने के लिए गया है। काफी लंबे समय से विद्यार्थी परिषद जो है इस विषय को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से LG मनोज सिन्हा तक पहुंचा रही है, परंतु उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी है। एक अंतिम चेतावनी विद्यार्थी परिषद जो है वो LG मनोज सिन्हा को देना चाहती है कि अगर ये पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल पास होता है तो एक बड़ा आंदोलन पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत में उनको देखने को मिलेगा, और उसका जो कारण है वो स्वयं LG मनोज सिन्हा होंगे और कोई नहीं, क्योंकि LG मनोज सिन्हा ने जितनी भी पॉलिसीज हैं वो युवाओं के खिलाफ लेकर के आना है, ऐसा मुझे लगता है ठान के रखा है। जब 370 हटी थी उस समय हमें लगा था कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को नए अवसर प्रदान किए जाएंगे, एक उम्मीद जो है वो LG सरकार द्वारा दी गई थी, परंतु उन सभी उम्मीदों को तोड़ के LG ने जो है युवाओं के साथ बहुत ही बुरा जो है किया है, और आज जम्मू कश्मीर का युवा सफर कर रहा है। हर प्रकार की अपॉर्चुनिटीज उनसे छीन ली गई है, और एज एक्सटेंशन लेकर के तो एक और बवाल जो है LG मनोज सिन्हा ने युवाओं के बीच में खड़ा कर दिया है, और कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद उनको कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहती है कि अगर ये बिल पास होता है और एज एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन रिव्यू नहीं होती है तो एक बड़ा जन आंदोलन उनको देखने मिलेगा, और इसका कारण जो है वो स्वयं खुद होंगे। धन्यवाद।